जी आज जो टॉपिक स्टडी करना है वो क्या है, आपके पास ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था आप लोग को, एनवायरमेंटल सेगमेंट, ठीक है जी। अगला है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये पहले भी आपने स्टडी किया होगा, ठीक है। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का अर्थ की टेम्परेचर का राइज होना बाय सर्टेन एटमोस्फेरिक गैसेस दैट ट्रैप द सन एनर्जी। क्या होता है कि आपकी एटमॉस्फेयर का जो आपके अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल डिग्री से क्या कर देता है, राइज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कैसे इंक्रीज करता है कि सर्टेन एटमॉस्फेरिक गैसेस जो आपके अर्थ में मौजूद होती हैं वो क्या करती हैं, जो सनलाइट की एनर्जी होती है उन्हें ट्रैप कर लेती है, उन्हें वापस एटमॉस्फेयर से निकलने नहीं देती। जब वो ट्रैप हो जाएंगी आपकी एनर्जी अर्थ की हीट, जब वो नहीं निकलेंगे आपके एटमॉस्फेयर से बाहर, तो क्या होगा आपके पास, आपके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम नेचुरल तौर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। नेचुरल तौर पे कैसे होता है कि अर्थ का टेम्परेचर राइज किया, कैसे राइज किया, सर्टेन गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं जी, अर्थ के टेम्परेचर को राइज कर देते हैं बाय ट्रैपिंग द सन एनर्जी को, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन सी है ट्रैपिंग गैसेस की, आपके पास जैसे वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ये चार गैसेज ऐसी, और भी बहुत सी गैसेज है लेकिन ये फोर गैसेज ऐसी हैं जो क्या करती हैं जी, आपके अर्थ के टेम्परेचर को राइज करती है, दीज आर कॉल्ड ट्रैपिंग गैसेज, ठीक है। अगर मैंने आपको पढ़ाया था तो थोड़ा बहुत आपको याद हो कि आपके ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्राटोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में ये गैसेज मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स तो कॉमनली मौजूद होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये तमाम जो एक्टिविटीज होती है हमारी, इनकी वजह से क्या होती है, फॉर्म हो रही होती है। Why are the gases important? Gases important क्यों होती हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ये गैसेस क्यों होती हैं? Heat would escape back into the space. Heat, अगर ये गैसेज ना होती तो क्या होता, हमारी जमीन ठंडी रहती, आपकी जमीन पे क्या होगा, जब ये गैसेज नहीं होंगी तो वो हीट को ट्रैप नहीं करेंगी, जब हीट ट्रैप नहीं होगा तो हमारी अर्थ की जो सरफेस होगी वो कूल हो जाएगी, ठीक है। अर्थ टेम्परेचर वुड बी 60 फारेनहाइट कोल्डर, अब क्या होगा जब ये गैसेज नहीं होंगी और ट्रैप नहीं हुआ, हीट एनर्जी को ट्रैप नहीं किया, तो आपका अर्थ का टेम्परेचर 60 डिग्री फारेनहाइट यानी कि कोल्डेस्ट टेम्परेचर होगा, अच्छा ठीक है जी। अगर कोल्डेस्ट टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, आपको तो इतने कम टेम्परेचर में हमारी कोई भी लाइफ होती है, चाहे वो आपके ट्रीज वगैरह हों, प्लांट्स वगैरह हों, वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, मेक सुटेबल फॉर लाइफ, ये गैसेज जो होती है, तो अगर ये गैसेज मौजूद होंगी तो आपकी लाइफ है वो अर्थ पे पॉसिबल होगी जी। ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर कॉमनली आपने देखा होगा, नर्सरी जो होती है, हम ये तो जो बातें पहले की थी वो नेचुरल तौर पे आपकी जो हीट थी वो उसे वार्म कर रही थी, ठीक है, वो एक लिमिट, अल्लाह ताला ने एक लिमिट बनाई हुई है, उन्होंने कितना एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, किस हद तक आपके अर्थ का टेम्परेचर रहेगा। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियली तौर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर लिया। कैसे जी, आपने देखा होगा नर्सरीज के अंदर पौधे उगाए जाते हैं तो ऊपर प्लास्टिक की और ग्लास का एक शेल्टर बना दिया जाता है। ये शेल्टर क्या करता है, ये हीट और लाइट को तो अंदर आने देता है लेकिन क्या करता है, वापस नहीं जाने देता। देखिए क्या कर रहा है, अंदर तो आने दे रहा है लेकिन जब इन्होंने वापस जाना है तो ये वापस नहीं जाएंगे, जिससे क्या होगा आपका टेम्परेचर उस एरिया का बढ़ जाएगा और आपकी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। अब प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो रही है लेकिन इंटर्न क्या हो रहा है कि आपके अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। ट्रैप हीट होती है वो ये क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं, ग्लास लेट्स इन द लाइट, आपकी लाइट अंदर आ रही है, ग्लास कीप हीट फ्रॉम एस्केपिंग। अब ये ग्लास क्या करेगा, हीट और लाइट तो अंदर आ रही है लेकिन हीट को एस्केप नहीं होने देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके प्लांट्स की ग्रोथ तो अच्छी होगी लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करेगा, आपके आपके अर्थ के टेम्परेचर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर जी। इसी तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट की एग्जाम्पल हम कार पार्क इन द सनलाइट, आपने देखा होगा कोई कार आपने पार्क की है सनलाइट के अंदर, ठीक है जी, थोड़ी देर बाद क्या होती है आपकी जो कार होती है वो हीट अप हो जाती है, क्यों, वजह यही कि ग्लास होता है वो लाइट को तो अंदर आने दे रहा है, आने भी दे रहा है और वापस जी भी जाने दे रहा है लेकिन हीट को अंदर आने देता है वापस नहीं जाने देता। जब हीट वापस नहीं जाएगी आपकी का क्या होगा जी, कार का टेम्परेचर हीट अप हो जाएगा, जिसके से कार क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। एग्जाम्पल है, अब देखो ऑब्वियसली यही चीज हमारी अर्थ के साथ हो रही है कि ये जो ग्लास हमने आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउसेस जो बनाए हैं, ठीक है जी, ये क्या करेंगे, लाइट को और हीट को तो आने देंगे लेकिन हीट को फिर वापस नहीं जाने देते। जब हीट को वापस नहीं जाने देंगे तो आपके अर्थ का टेम्परेचर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। प्रोसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आपके पास, अगर आप चेक करो तो क्या है जी, आपके पास ग्रीन सोलर रेडिएशन, दिस इज सन, ये सोलर रेडिएशन पासिंग थ्रू द क्लियर एटमोसफेयर, आपके एटमोसफेयर से पास कर रही है, ठीक है जी, और कोई क्या करिए, रिफ्लेक्ट बैक करिए।
कहते हैं मोस्ट ऑफ द रेडिएशन जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है बाय द अर्थ सरफेस, कुछ जो है वो अर्थ सरफेस ने एब्जॉर्ब कर ली और आपका अर्थ का टेम्परेचर वार्म हो गया टू सस्टेन लाइफ. सम सोलर रेडिएशन जो होती है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, कुछ जो होती है वो आपकी अर्थ से वापस, कुछ एब्जॉर्ब हो रही है कुछ क्या हो गया रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है, ठीक है जी, दो काम हो गए. लेकिन सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड सम इज एब्जॉर्ब एंड रीमिटेड इन ऑल डायरेक्शन बाय ग्रीन हाउस गैसेस मॉलिक्यूल. अब कहते हैं कुछ जो इंफ्रारेडिएशन होती है वो एटमॉस्फेयर से पास कर रही है, कुछ जो होती है वो एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ क्या हो रही है रीएमिट हो रही है, दोबारा से डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रही है जा रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रही है मूव कर रही है. ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस इफेक्ट जो होता है इज टू वार्म द अर्थ सरफेस और लोअर द टेम्परेचर एटमॉस्फेयर. कहते हैं अर्थ के टेम्परेचर को तो क्या कर देती है गर्म कर देती है, लेकिन एटमॉस्फेयर जो ऊपर वाला टेम्परेचर होता है उसको क्या कर देती है लोअर कर देती है कम कर देती है. मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखा जाए तो सन एनर्जी पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, आपको पता है जिस सन की एनर्जी क्या करती है एटमॉस्फेयर से पास करती है. आपके पास डायग्राम बनी है, अगर आप डायग्राम को थोड़ा क्लियर देखें क्या है जी, ये दिस वन ये सनलाइट है, सनलाइट की जो होती है 20% जो होती है एनर्जी वो स्कैटर्ड होती है एंड रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स. कुछ जो होती है आप देखो मुकम्मल तौर पर 100% हमारी एनर्जी अगर अर्थ की एनर्जी या हीट आपकी एटमॉस्फेयर पे है तो सस्टेन ही ना लाइफ हो, लाइफ तो बचेगी नहीं क्योंकि इतना ज्यादा हॉटर टेम्परेचर में जो होते हैं हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी. तो कहते हैं 20% जो होती है वो स्कैटर रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ 51% जो होती है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है, 19% जो होती है वो एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स एब्जॉर्ब करते हैं जिसमें 6% दोबारा आपका एटमॉस्फेयर स्कैटर्ड कर देता है और 4% जो होती है रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, ठीक है जी. लेकिन आप कह सकते हैं लिमिटेड अमाउंट जो होती है जो हमारे अर्थ में जो होती है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, लेकिन 26% इज रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड, रिफ्लेक्ट बैक वापस मुड़ जाती है और स्कैटर्ड में बिखर जाती है. 19% जो होती है वो क्लाउड गैसेज एंड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कौन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है. 4% रिफ्लेक्टेड टू स्पेस बाय सरफेस और 4% जो होती है वो दोबारा सरफेस जो है वो आपको स्पेस में भेज देता है. 51% जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अर्थ पे रीच कर रही है, पहुंच रही है. व्हाट इज द एनर्जी यूज फॉर, अभी जो एनर्जी 51% यूज हुई है ये कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है जी, ये यूटिलाइज हो रही है हीटिंग ऑफ द ग्राउंड, आपके ग्राउंड को हीट कर रही है, मेल्टिंग ऑफ द आइस एंड स्नो, आपके ग्लेशियर्स जो होते हैं उन्हें मेल्ट करती है ताकि हमारे पीने के लिए पानी मिल सके. ऑब्वियसली जो हम फ्रेश वाटर पी रहे हैं उसमें आपके पास कुछ हिस्सा ग्लेशियर्स को मेल्टिंग की वजह से भी आ रहा है. एवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर की एवेपोरेशन हो रही है, वाटर की एवेपोरेशन की वजह से क्या हो रहा है जी, ऑब्वियसली क्लाउड्स बनेंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्लांट्स अपना फूड क्या कर रहा है प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है जी. ये तमाम जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ यहाँ यूटिलाइज हो रही है, ठीक है जी. कौन कौन सी पॉसिबल काजेज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, अब क्या होता है क्यों हमारा आपके जो है वो जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफोरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर, डी का मतलब रिमूव कर दो. आपने देखा है जंगलात बड़े पैमाने पे क्या हो रहे हैं रिमूव हो रहे हैं, आपको पता है जी जहाँ पे ट्रीज मौजूद होंगी वहां पे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन डिफोरेस्टेशन की वजह से जंगलात की कटाई की वजह से क्या हो रहा है उस एरिया में क्या हो रहा है जंगलात कम हो रहे हैं फॉरेस्ट कम हो रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है. अब देखो हम लोग डिफोरेस्टेशन करके उस एरिया को सिंपल लैंड बना देते हैं जहाँ पे हम पौधे वगैरह उगा रहे हैं फसलें वगैरह उगा रहे हैं. इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स है, गैसोलीन है, ऑयल है, हमारे यहाँ कोयला भी बहुत क्वांटिटी में जलता है, ठीक है जी. फ्यूल हो रहा है, फ्यूल जल रहा है, ऑयल जल रही है, पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, नॉइस पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, कार ज्यादा हो रही है, ये तमाम जो है जाहिर तौर पर फॉसिल फ्यूल जलेंगे. जब भी कोई चीज जलाते हो आप लोग ऑब्वियसली आपको खुद पता है वहाँ पे हीट का क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी. बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, वुड जल रहा है, कोल जल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ बिग रीजन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या करती है आपके हीट को ट्रैप कर लेती है और पॉपुलेशन ग्रोथ और हमारी जो पॉपुलेशन है आबादी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, उनकी एक्टिविटीज इंक्रीज करने से ऑब्वियसली जो वो सांस लेती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी और इंक्रीज कर रही है, ठीक है जी. What, why is it dangerous? अब आपके जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो डेंजरस क्यों है. एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपके आपके अर्थ का टेम्परेचर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है. दूसरा जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो अनडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि आपके जब डिफोरेस्टेशन करते हो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपकी बहुत सारी स्पीशीज जो हो रही है वो अनडेंजर्ड हो रही है. डेंजर्ड का मतलब उनकी क्वांटिटी जो हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है कम होती जा रही है. आपने सुना होगा जैसे डायनासोर खत्म हो गए, पांडा की क्वांटिटी इनडेंजर में चली गई, वाइट वुल्स की चली गई, ठीक है. इसके अलावा हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है. आपको पता है पहले कुछ आज से कुछ सेंचुरी डिकेस पीछे चले जाओ बड़े अच्छा जी प्रॉपर टाइम पे सर्दियां पड़ती थी, प्रॉपर टाइम पे गर्मियां आ रही हैं, हमारे चारों मौसम आ रहे हैं. लेकिन आप देखो गर्मी की क्वांटिटी इंक्रीज कर गई. पहले जो था वो अक्टूबर नवंबर तक बड़ा अच्छा ठंडा टेम्परेचर हो जाता था. अब आप देखो तो नवंबर तक जो है टेम्परेचर
जो होता है वो डाउन होता ही नहीं, बड़ी मुश्किल से सर्दियां कोई एंड आपकी दिसंबर में या आपकी जनवरी में आ रही होती, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब वो चीजें नहीं रह रही, गर्मी की क्वांटिटी बढ़ रही है और सर्दी की क्वांटिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। गर्मी पड़ती है तो शदीद गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो शदीद सर्दी। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, आपकी अर्थ ने जो है वो हीट को ट्रैप किया, मैंने बता दिया ट्रैप कैसे होते हैं, ट्रैप जो है वो गैसेस के जरिए हो रही है, जर्नल वार्मिंग अफेक्ट क्रिएटेड। इसके अलावा जर्नल वार्मिंग जो होती है वो अफेक्ट करता है इंक्रीज इन एयर एंड ओशन टेम्परेचर, आपके ओजोन और एयर का और ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। वाइटल इश्यूज इन सोसाइटी, आपके इश्यूज जो होते हैं सोसाइटीज के, लाइक कोयला जला रहे हो या डिफरेंट है, उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? एक तो क्या है जी, ग्रीन हाउस गैसेज है इंक्रीज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है, ओब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, हम जला रहे हैं चीजों को तब बढ़ रही है, डिफोरेस्टेशन हो रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हम फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बर्न हो रहे हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, कोयला, नेचुरल गैस, ये तमाम चीजें बढ़ती हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की और दूसरी मीथेन की जो है क्वांटिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं? एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, दूसरा चेंज इन द वाइल्ड लाइफ एडेप्टेशन एंड साइकिल, आपकी वाइल्ड लाइफ जो जंगली हयात है उनके एडेप्टेशन द साइकल्स चेंज हो रहा है। इसके अलावा पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट कर रहे हैं, जिसके से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास सैलाब, फ्लूडिंग फ्लूडिंग ज्यादा होती है, इंक्रीज इन सी लेवल, आपका लेवल जो सी का है वो इंक्रीज करते हैं। देखो आए दिन जो होते हैं वो सैलाब आए होते हैं, फ्लूडिंग हो रही है इन कोस्टल एरियाज, आपके साहिली इलाकों में, जो कोस्टल के साहिली इलाकों में हो रही है। इसके अलावा ओशन एसिडिफिकेशन, आपके ओशन जो है वो क्या हो रहा है, एसिडिफाइड हो रही है, ठीक है जी। मोर कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, स्पीशीज बिकम अनडेंजर्ड, आपकी स्पीशीज क्यों हो रही है वो अनडेंजर हो रही है, हैवी ड्रॉप, कुछ साली ज्यादा हो जाती है, डिजीजेज आजकल देखें फॉरन एक डिजीज फैलती तो पूरी पूरी दुनिया में फैल जाती है, राइज इन टाइड्स, टाइड्स की जो मदद क्या होती है जी, जो समंदरी लहरें होती हैं वो उनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, चेंज इन वेदर पैटर्न, आपके वेदर जो है उसका पैटर्न चेंज हो गया, सर्दियां गर्मियां जो है कोई अंदाजा नहीं रहता आपके पास, ठीक है। फ्यूचर आउटलुक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अगर इसी तरह होता रहा, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे वो खत्म हो जाएंगे, डेप्लीटेड हो जाएंगे। नीड बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्री, हमें किस चीज की जरूरत है कि हम एनवायरमेंट और इंडस्ट्री के दरमियान बैलेंस रखें, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन रिड्यूस करनी पड़ेंगी हमें, कितने परसेंट, 80% तक हमें रिड्यूस करनी पड़ेंगी, ठीक है जी, ताकि जो है हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सके। What can we do? हम क्या कर सकते हैं पर्सनली तौर पर, रिफोरेस्टेशन कर सकते हैं, वट इज रिफोरेस्टेशन, दोबारा दरख्त को उगाएं, पर्सनल एक्शन, अपनी एक्टिविटीज को दुरुस्त करें, ठीक है, क्लाइमेट पॉलिसीज को अपनाएं जो आपके जो होते हैं वो डिफरेंट एनजीओज जो होती हैं या क्लाइमेट सोसाइटीज जो होती हैं जो इम्प्लीमेंटेशन करती है। आजकल देखें हम जो है वो मौसम सजगकारी जो होते हैं पौधों को ज्यादा से ज्यादा जो है प्लांट करने की कहा जाता है जी, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज किया करें एज कम्पेयर टू लो अपनी पर्सनल, आजकल देखें आप पर्सनल गाड़ियां ज्यादा यूज होने की वजह से एयर पोल्यूशन ज्यादा हो गई है, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटियां क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है।